अरे सर जी आप बीमार थे और जो कुछ भी आपने उस वक्त बोला मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो जरूरी नहीं था मेरे लिए। तो तुम कहना चाहती हो कि हमारे बीच जो भी बात हुई तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? याद है, लेकिन सिर्फ वही याद है जो याद होना चाहिए, बाकी कुछ याद रखने लायक ही नहीं था। अब जहां अन्नी झनक को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, वहीं अब झनक अन्नी को नाटक और इंसल्ट का मतलब बताती है। पर अब अन्नी उसे याद दिलाता है कि जो वादे उन दोनों ने किए थे एक दूसरे को उस रात, पर अब झनक सब चीज को ठुकरा देती है ये बोलकर कि कोई बात अगर हुई भी थी तो अब ये गलत है। और जो कुछ भी अन्नी बोला था उस वक्त वो इसलिए क्योंकि वो बीमार था। और झनक बोलती है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उनकी बातों को, पर बोलती है कि वही बात याद है जो होना चाहिए। और अब अन्नी का दिल टूट सा जाता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा था वही आज उसे दूर होने जा रही है। पर झनक बोलती है कि क्योंकि अब अन्नी की फ्यूचर अर्शी के साथ है वो ये सब बातें नहीं करे तो बेहतर होगा झनक के साथ। और बोलती है कि अर्शी की इज्जत करना चाहिए और सिर्फ उसे ही प्यार भी दे अब अन्नी, आखिर झनक करे भी तो क्या। कौन सा अन्नी सबसे ऊपर उठकर झनक को अपनाया भी है अभी तक, सिर्फ परवाह दिखाने से थोड़ी रिश्ते बन जाते हैं। दिल को ठेस दोनों तरफ से है पर अब शायद वक्त के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। और अन्नी से पूछती है कि क्या अन्नी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहा है, और बोलती है कि ऐसा करने से अन्नी अपनी खुद की इज्जत कम कर रहा है। तनक कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने सिर्फ सच बोला। क्या सच कि आप झूठा नाटक कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, तो ये शादी क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है सबकी? क्यों इंसल्ट कर रहे हैं एक लड़की की, अर्शी दीदी की क्यों इंसल्ट कर रहे हैं आप? सर जी मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा, अगर आपने बार बार यही बातें की तो मुझे सबके सामने आपका ये सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके गलत कामों में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। क्या सोचते हैं आप? अरे कैसी लड़की हूँ मैं, कौन हूँ मैं, इतनी चीप लड़की लगती हूँ आपको? और अन्नी को आता है गुस्सा ये सब सुनकर। पर अब झनक बोलती है कि अगर वो अर्शी का इंसल्ट कर सकते हैं तो फिर किसी का भी कर सकते हैं, उसकी भी। और अब अन्नी रियलाइज करता है कि कितने बड़े गड्ढे में वो खुद गिर पड़ा, जहां उसे ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी आज वो ढोंग कर बैठा। और अब झनक बोलती है कि अभी तक वो इतनी गिरी नहीं है कि ऐसी बातें सुनकर वो खुश होगी, और अगर ऐसा ही रहा तो उसे अन्नी से बात भी करनी अब बंद करनी पड़ेगी। और अब अन्नी को ऐसा महसूस होता है कि झनक अब उससे बहुत दूर जा रही है। जब वो बोलती है अन्नी को कि उसे अपने रवैये चेंज करने होंगे, नहीं तो आगे जाकर अर्शी भी उसकी इज्जत नहीं करेगी। और आगे अन्नी से कहती है कि शादी से पहले ही जब अन्नी झूठ बोलना शुरू कर दिया है और अपनी वाइफ से नाटक कर रहा है प्यार का, तो शादी के बाद तो क्या ही करेगा। और अन्नी को बोल देती है कि उसे शर्म आनी चाहिए। और अपनी जिंदगी को अन्नी तो जैसे जाते देखता है अपने सामने से ही बहुत दूर, मन में हजारों सवाल लिए। पर अन्नी अब करे भी तो क्या, शादी तो उसे अर्शी से करनी है पर झनक भी उसे चाहिए, लेकिन ऐसा तो होने नहीं देगी झनक। तो देखते रहिए आगे आखिर क्या होता है झनक और अन्नी का मिलन, या होंगे दोनों बहुत बहुत दूर। और जिनसे शादी होने वाली है ना आपकी, उनकी इज्जत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही प्यार दीजिए आप। और जैसे आप बात करते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्या आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं? क्या लगा आपको कि ये सब सुनके मुझे बहुत खुशी होगी? नहीं सर जी, आप खुद की इज्जत कम कर रहे हैं, तो प्लीज
अपने आप को और शर्मिंदा करना बंद कर दीजिए।